भूत प्रेत पैरानॉर्मल एक्टिविटी काली विद्या मैली विद्या ऐसे तो इन सब चीज़ों पे कई लोग विश्वास करते हैं और कई लोग विश्वास नहीं करते हैं, परंतु जिनके साथ ऐसी घटनाएं घट जाती है वो इसे सच मानते हैं और जिसके साथ यह घटना नहीं घटती है वो इसे दंत कथा मानते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, फ्री है, पैसे नहीं लगते हैं। कहानी हर रोज अपलोड होती है हमारे चैनल पे। कहानी अगर आपको सच्ची लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कमेंट हमें पसंद आता है, हमारे दर्शकों को पसंद आता है, तो हमारे चैनल की तरफ से आपको एक गिफ्ट इनाम के तौर पर दी जाएगी। अगर रात में एक निश्चित समय पर आपकी नींद खुल जाती है और अगर आपको लगता है कि कोई आपके पीछे है, आभास हो रहा है अगर आपको कि कोई आपको देख रहा है, या निश्चित एक ही समय पर हर रोज आपकी नींदें खुल जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति आप पर नजर रखी हुई है। ऐसे ही एक गांव की कहानी है। आप कहानी को देखें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट अवश्य करिए। आपकी जो भी राय है कमेंट करिएगा तो हम उसी अनुसार वीडियो बनाएंगे। यह कहानी है रोशन की। रोशन नया नया गांव में रहने के लिए आया था शहर से। सब दिन शहर में उसके माता पिता रहते थे, लेकिन उनके दादा दादी गांव में रहते थे। तो रोशन गांव में रहने के लिए आया। गांव में नया होने के कारण उसे कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं थी गांव के विषय में, गांव में लोग कैसे रहते हैं। वह शहर का लड़का था, बड़ा गुमसुम और शांत स्वभाव का रहता था। धीरे धीरे वो लोगों से घुलने मिलने लगा। गांव में आगे लोग चलते हैं, गांव में घूमते फिरते हैं। शहर में बहुत कम मेल जोल होता है, लेकिन गांव में सभी एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। तो जान पहचान होते होते रोशन की पहचान और कई सारे छोटे छोटे मित्रों से हो गई, छोटे छोटे दोस्तों से उनकी पहचान हो गई। और एक दिन गांव में, उसी गांव में एक ऐसा घर है जहां लोगों ने मान्यता बना रखी है कि यहाँ भूत है और पायलों की आवाज़ सुनाई देती है और तरह तरह की घटनाएं घटती है। परंतु रोशन शहर में रहने के कारण इन सब चीज़ों को नहीं मानता था और उसने साफ मना कर दिया कि मैं इस सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ। फिर भी उसके दोस्त बोले, नहीं तुम चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ कि वहाँ भूत होते हैं। रोशन गया उसके साथ। दोपहर का समय था। वहाँ उसने घर चारों तरफ से देखने के बाद, घर में तो कोई नहीं जाने की हिम्मत कर रहा था, परंतु वो सब चारों तरफ से देख के बताया कि यह घर बहुत दिन से बंद है और अंदर कोई जाना नहीं चाहता है। रोशन ने हिम्मत की और दरवाजे को लात मार के अंदर घुस गया। दरवाज़ा बहुत दिन से बंद होने की वजह से अंदर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। अंदर बहुत अंधेरा था। सब कुछ देखने के बाद रोशन वापस लौट आया अपने घर और लोगों से, जितने भी उसके मित्र थे, सबसे कहा कि देखा कुछ नहीं होता है। परंतु कुछ समय बीतने के बाद, 2-4 हफ्ते बीतने के बाद, उसे रात में नींद आनी कम हो गई और रात में वह एक निश्चित समय पर उठ जाया करता था। जैसे ही 3 बजते थे उसे घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती थी और पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई देती थी और वह एक निश्चित समय पर उठ जाता था। परंतु उसके घर में और किसी को यह आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, सिर्फ वह रोशन को ही आवाज़ सुनाई देती थी। रोशन बहुत परेशान हो गया। उसने अपने दादा दादी से एक दिन यह बात बताई कि मुझे यहाँ पे एक पायल की आवाज़ सुनाई देती है, घुंघरू छन छन करते हैं। तो उसके नाना नानी ने कहा कि ऐसा हो सकता है तुम्हारे मन में वहम है, गांव में ऐसा कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जो बोलते हैं। परंतु रोशन को लगा कि नहीं, कुछ तो ऐसा उसके साथ घटनाएं घट रही है। फिर उसने दूसरे दिन भी उसके साथ वही घटना घटी। तब उसने अपने दादा को उठाया और कहा कि देखो पायल की आवाज़ बज रही है, लेकिन दादा जब उठे तो उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर उसने उसके दादा ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने रोशन से पूछा कि क्या तुम कहीं ऐसे स्थान पे गए हो जहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो रोशन ने याद करके बताया कि हाँ, मेरे दोस्त लोग ने मुझे बताया कि उस जगह नहीं जाना है, फिर भी मैं गया वहाँ पे, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ था ही नहीं, तो मुझे उस डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उस तांत्रिक ने कहा, नहीं, वह तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चली आई है, वो तुम्हारा पीछा कर रही है और वह चाहती है कि तुम उसके साथ रहो। तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, उस घर में नहीं जाना चाहिए था तुम्हें, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तो रोशन के दादा दादी बहुत डर गए। उन्होंने कहा कि नहीं, आप कुछ उपाय बताइए गुरुदेव, कुछ तांत्रिक आप कुछ बताइए जिससे मेरे पोते की जीवन में कोई खतरा ना हो। तब तांत्रिक ने
कई उपचार बताएं, ऐसे कई मंत्र बताएं और हनुमान जी के मंत्र बताएं, और नित्य दिन उसे उठने के साथ ही जैसी उसकी आंखें खुले उसे उस मंत्र का जाप करने के लिए कहा गया कि आप तुम्हें हनुमान चालीसा का जाप करना है नित्य दिन उठकर सवेरे। तो रोशन ने ऐसा ही शुरू कर दिया, नित्य दिन सवेरे जैसे ही उसकी 3 बजे आंखें खुलती थी हनुमान चालीसा पढ़ने लगता था। घुंघरू की आवाज़ सुनाई देते ही धीरे धीरे घुंघरू की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई और रोशन का डर भी धीरे धीरे कम होते चला गया। कुछ दिन बाद रोशन बहुत ही नॉर्मल हो गया, वह अपने शहर चला गया अपने माता पिता के पास। और उसके बाद वो जीवन में उसने कसम खा ली कि मैं कोई ऐसी जगह पे नहीं जाऊंगा जहां इस प्रकार की पैरानॉर्मल की घटना घटती है, भूत प्रेत से कोई ऐसी घटना घटती है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घट जाए तब आप विश्वास करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कॉमेंट हमें पसंद आता है तो हमारे चैनल की तरफ से आपको एक गिफ्ट इनाम के तौर पर दी जाएगी।